राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7, जहां इस वक्त की बड़ी खबर। नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख उप जिलाधिकारी द्वारा दिलाई गई शपथ। आजमगढ़ विकासखंड मार्टिनगंज के सभागार में नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख जसवंत शर्मा द्वारा दिलाई गई शपथ। आपको बताते चले कि मार्टिनगंज का दृश्य एक दिन पहले दुल्हन की तरह पूरी सभागार को लेकर बाउंड्री तक सजा दी गई। उसके बाद आज दोपहर में बड़े धूमधाम से उत्साहवर्धन के साथ नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख को शपथ दिलाने के उपरांत वहां के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद भाजपा उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती नीलम सोनकर जी अपने संबोधन में पहले सौरभ उर्फ बीनू को बधाई दिया और तत्पश्चात जसवंत को भी बधाई दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि यहां की ब्लॉक प्रमुख की जो जिम्मेदारी दी गई है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जनता के विकास के लिए जसवंत शर्मा के सारथी की तरह सौरभ उर्फ बीनू सिंह द्वारा किया जाएगा। उन्होंने विशेषता माननीय प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी का धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं हर समाज के लोगों को कहना चाहूंगी, युवा हो चाहे बूढ़े हो चाहे महिलाएं हो, जो भी हो, पहला कार्यक्रम टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। जिसको नहीं लगा वह तत्काल वैक्सीनेशन का काम कराने का काम करें। उसके बाद परिवार में जो भी हो तत्काल वैक्सीनेशन करा लें। जब परिवार सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा। तत्पश्चात भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीकांत राय जी ने कहा कि जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी द्वारा जो यह कार्य किया जा रहा है, विकास का कार्य किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि एक समय पोलियो का कार्यक्रम चला था जिसकी ड्राप आने में बहुत समय लगा, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री माननीय योगी जी यह कोरोना काल के संकट की घड़ी में अति शीघ्र ही वैक्सीनेशन मुहैया कराने का काम किया और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने का कार्य समय करते चले आ रहे हैं। इस कोरोना काल में उन्होंने लगभग सभी जिलों का दौरा लगातार कर रहे हैं। गरीबों को फ्री राशन दिलाने का काम किया जो कि किसी की सरकार में नहीं हो सका। उन्होंने यह भी बताया कि सभी संबोधित में उठा लें कि जसवंत शर्मा भाजपा समर्थित मार्टिनगंज से भारी मतों से विजयी हुई हैं, जिसके संबंध में आज शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसे महाभारत काल में अर्जुन के सारथी भगवान श्री कृष्ण हुए थे, उसी के रूप में जसवंत के सारथी सौरभ सिंह उर्फ बीनू हुए, जिससे प्रथम कार्य का दायित्व तो आज इस लोगों को सौंपा गया, जिसका पूर्णतया निर्वहन करेंगे और जो भी अधूरा विकासखंड मार्टिनगंज में अपूर्ण है उसको पूरा करने का कार्य करेंगे, क्योंकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी विकास कार्यों को करने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। यहां संपूर्ण विकास कार्य किया जाएगा और यह भी कहा भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा जो कड़ी मेहनत व लगन से कार्य किया गया है उसको भी धन्यवाद देता हूँ। इस कड़ी में उप जिलाधिकारी दिनेश मिश्रा, तहसीलदार हेमंत कुमार बिंद, विकासखंड अधिकारी आजम अली, प्रभारी डॉक्टर संजय गुप्ता, मंडल अध्यक्ष विकास राय, बजरंग बहादुर, दिनेश सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, प्रकाश जायसवाल, विनीत जायसवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखें मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। आज मार्टिनगंज और हमारे छोटे भाई सौरभ सिंह बीनू, इन लोगों को मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिन में ये बहुत इस ब्लॉक का बहुत विकास होगा। जिस रुझान अनुसार के साथ ये लोग छुट्टियाँ हैं उस अनुसार के साथ क्षेत्र के विकास का कार्य करेंगे। बहुत ही यशस्वी निर्माणों और बहुत ही अभी आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखें, ऐसे हमारे जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय जी, और आज जो खुशी का अवसर है हम लोगों के लिए, जिसके लिए आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कहने को तो हमारे ब्लॉक प्रमुख यशवंत शर्मा जी हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर एक कार्य को दो लोग मिलकर करें तो बहुत ही सफल होता है, एक एक 11 होता है। ऐसे हमारे
आप सबके बहुत से लोकप्रिय, बहुत ही सहज भाव, सबकी सुनने वाला। अभी हम लोगों के बीच में जैसा हमारे एक भाई बोल रहे थे कि हमारे सामने वो छोटा सा था और हमारे ही बच्चों के सामने बड़ा हुआ, तो मैं कहूँगी कि जब अपने माता पिता के बच्चे जब बड़े होते हैं और कोई अच्छा कार्य कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं और अपने आशीर्वाद के साथ में जब उसको बड़ा करते हैं, तो ऐसा ही समय मैं समझती हूँ कि सौरभ आप सबका बच्चा ही है। जिस तरह आप लोगों ने लग के, एक एक लोग लग के अपना आशीर्वाद दिया, अपना उत्साह दिया, इस तरह का जो उनको मार्गदर्शन दिया, ऐसा ही हुआ है आज सौरभ सिंह के लिए। आप सबके आशीर्वाद के साथ यशवंत शर्मा जी और सौरभ सिंह जी दोनों लोग आज ब्लॉक प्रमुख बने हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। आप देख सकते हैं इतनी भारी वर्षा, इतनी उमस के बावजूद भी लोगों का उत्साह, हमारे सदस्य का उत्साह, सारे सदस्य आपके सामने अभी बैठे हुए, लगभग कार्यक्रम 3 से 4 घंटे के चुका, लेकिन वो सबका प्रेम है, उत्साह, इसी प्रेम की बदौलत हम चुनाव जीते हैं और इसी प्रेम व्यवहार के माहौल में अगले 5 साल हम लोग विकास के काम। इस बार अपने क्षेत्र पंचायत की परिभाषा को, क्षेत्र पंचायत पिछले यहाँ की परिभाषाएँ अलग अलग हैं, लेकिन अब विकास की सिर्फ विकास ही मिलता रहेगा और विकास ही यहाँ की परिभाषा है, विकास किया जाएगा। हमारे युवा साथी तमाम लोग इसी सदस्य युवा हैं, आपके पीछे सबको आप देखेंगे, सबकी सोच में विकास है, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने वोट में मुझे विकास के लिए सर्व किया और वही विकास करने, इसी एजेंडे के लिए अभी हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। ये हमारी पहली बैठक क्षेत्र पंचायत कंट्रोल हमारी पहली बैठक है। आज बैठक में अपने लोगों से अपने युवा साथियों से प्रस्ताव लेकर कोशिश करूँगा उसमें अमल करके काम कराया जाए। अब काम की बात होगी, राजनीति हो चुकी है, शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, स्वागत समारोह हो चुका है, फूलमाला हद से ज़्यादा हो चुका है, अब काम की बात। ठीक है, पहला काम आप क्या करना चाहेंगे? अभी तो मैं सदस्यों से बैठूँगा, सदस्यों की राय बात करूँगा, किसको कहाँ क्या ज़रूरत है, फिर उसके आधार पर हम लोग आगे काम करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष हमारी लाल गड्ढे की लोकप्रिय सांसद रही, फिर के सांसद काल में एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता और इस क्षेत्र का छोटा से छोटा व्यक्ति जिस सरलता से और जिस सहजता से मिल लेता था, बात कर लेता था, आज उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, संत निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अचूर्ण रखूंगा तथा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। पीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर।